हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में नियर स्टॉक एंड्रॉइड वाला नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आज के इस टॉप 3 स्मार्टफोन के वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग भी कम से कम प्राइस में नियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ साथ एक अच्छा प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो थर्ड नंबर पे आता है मोटो का E40। मोटो के E40 को 8,999 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। कम से कम प्राइस में आप लोगों को यूनिसोस का T700 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 9,000 रुपए के प्राइस को अगर देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एक अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ 48 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस में भी आप लोगों को फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए या फिर गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, पर फोन में कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है मोटो के E40 में। अगर आप लोग भी नियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ साथ एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, वो भी 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में, तो सेकंड नंबर पे आता है मोटो का G22। मोटो के G22 को 9,699 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। मोटो के G22 के अगर सबसे बड़े एडवांटेज की बात करी जाए तो वो है इसका फ्रंट और बैक का कैमरा सेटअप। बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के तीन कैमरे 8+2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में इस स्मार्टफोन में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एक अच्छे कैमरा सेटअप के साथ साथ 6.5 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में 5 होल देखने को मिल जाता है, और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 20W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो मोटो के G22 में MediaTek का हीलियो G37 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इसके प्राइस को अगर देखा जाए तो आप लोगों को एक एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, पर 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में ये एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है मोटो के G22 में। अगर आप लोग भी 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में नियर स्टॉक एंड्रॉइड वाला नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, जिसमें गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर, फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा कैमरा सेटअप और बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले भी हो, तो फर्स्ट नंबर पे आता है मोटो का G31। मोटो के G31 को 9,499 रुपए के प्राइस में 4GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। 10,000 रुपए से कम के प्राइस में मोटो के G31 में काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहला एडवांटेज है कि आप लोगों को 6.4 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 60Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले के साथ साथ बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। जहां मोटो का G31 डिस्प्ले और कैमरे के मामले में काफी ज्यादा बेस्ट है, वही ये स्मार्टफोन गेमिंग के मामले में बेस्ट है। मोटो के G31 में MediaTek का हीलियो G85 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इसके प्राइस को अगर देखा जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। मोटो G31 के अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो डॉल्बी एटमॉस भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट तो देखने को मिल जाता, पर फोन में कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता, जो कि 10,000 रुपीज से कम के प्राइस में मोटो का G31 एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है।